ओके सो हम लोग मैं कल ईशो उपनिषद की बात कर रहा था, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत् तेना त्यक्तेन भुञ्जन्ताम् आवृता कस्य स्वित्थनम् कुर्वन्नेव ह कर्माणि। उसका दूसरा श्लोक जो है ईशो उपनिषद का, एक कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं, एक क्वेश्चन, तो कभी भी माया में नहीं पड़ेंगे। ओके, हर सेकंड आप अपने से पूछो कि मैं भगवान के लिए क्या करूं, एंड देन यू हैव टू आंसर योरसेल्फ, नहीं तब आप सही चॉइस कर पाओगे, क्योंकि हर सेकंड एक चॉइस है हमारे पास कि मैं माया को सर्व करूं या भगवान को करूं। तो ओके, आप खाली बैठे हो, आपने अपने से क्वेश्चन पूछा, अब मैं क्या करूं भगवान के लिए, तो क्या कर सकते हो, खाली बैठे हो, वेल क्या कर सकते हो, भगवान का नाम बोल सकते हो, नहीं, वो तो हमेशा ही बोल सकते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, क्योंकि भगवान नाम लेने से बड़ा खुश होते हैं। इसलिए एक्चुअली ये जो कॉन्शियसनेस है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये क्वेश्चन है बस, ये हमारी प्रेयर है भगवान के लिए कि भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मगर ये इसको याद रखने के लिए, इस क्वेश्चन को हमारी चेतना शुद्ध होनी चाहिए, वरना हम इसको भूल जाएंगे, ये क्वेश्चन ही भूल जाएंगे, मैं भगवान के लिए क्या करूं। इस हम टेम्पल से बाहर जाते ही हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, भगवान की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, अपने लिए, बस ये स्टार्ट हो जाएगा। सो अब इसको बनाए रखने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाए रखने के लिए, इसलिए प्रेम की जरूरत है, क्योंकि प्रेम के बिना आप ये सोच ही नहीं सकते मैं भगवान के लिए क्या करूं, इम्पॉसिबल है, नहीं। इसलिए भक्तिवर ठाकुर ने बोला है, या प्रभुपाद भी अपने बुक्स में लिख रहे हैं, कि प्रेम नीड है, गोल नहीं है लाइफ का। बाकी आचार्यों ने तो बोला गोल है, लक्ष्य है लाइफ का प्रेम, मगर भक्तिवर ठाकुर प्रभुपाद ने बोला नहीं, प्रेम जरूरत है, प्रेम के बिना हम भक्ति कर ही नहीं सकते, 100% नहीं कर सकते, क्योंकि हम भूलते रहेंगे बार बार भूलते रहेंगे, सोते वक्त तो भूल ही जाओगे ना, फिर क्या करोगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जल्दी से जल्दी प्रेम प्राप्त कर लो, जितनी जल्दी हो सके, कहीं दुकान में मिल रहा है प्रेम तो खरीद लो। तो क्या करें हम कि जल्दी प्रेम मिल जाए, क्वेश्चन ये है, नहीं है। सो मैं क्या कह रहा था कि उसको याद करने की, भगवान को हमेशा याद रखने के लिए प्रेम की जरूरत है, प्रेम जल्दी से जल्दी चाहिए हमें, क्योंकि अगर आपने प्रेम जल्दी नहीं लिया तो एक कहते ना कि भी पेड़ पे फल लटका है तो आप चढ़ के तोड़ लो, है नहीं, एक तो ये कर सकते हो, चढ़ के तोड़ सकते हो, दूसरा नीचे वेट कर सकते हो कब पेड़ फल पक्के हाथ में गिरेगा, मगर वो अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि पक जाएगा तो पक्षी तोड़ के उसको ले जाएगा, वो खा लेगा, आप देखते रह जाओगे। सो इसलिए प्रेम नीड है, नेसेसिटी है लाइफ की, हमें पाना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने घर में एक बार बैठे थे, और मतलब गदाधर पंडित भी थे उनके साथ, उनके फ्रेंड थे पंडित गदाधर। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा गदाधर पंडित से कि कृष्णा कहाँ है, तो गदाधर पंडित ने बोला कि तुम्हारे हृदय में। एक्चुअली उससे पहले चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे कि कृष्णा कहाँ है, मुझे कैसे मिलेंगे कृष्णा, मुझे उनका प्रेम कैसे मिलेगा, मेरी लाइफ वेस्ट हो गई, तो बहुत दुखी थे कि प्रेम कैसे मिलेगा। यू सी, अगर प्रेम आपको जीवन की जरूरत लगने लगेगी तब आंखों से आंसू आ जाएंगे, नहीं आएंगे, आपको मिल ही नहीं रहा, और मुझे चाहिए क्योंकि जरूरत है, अगर खाना नहीं मिलेगा 2 दिन तो क्या होगा, आंसू आ जाएंगे, यार खाना नहीं मिल रहा मतलब कैसे, पानी नहीं मिल रहा मतलब पागल हो जाओगे आप। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु पागल हो रहे थे कि मुझे प्रेम कब मिलेगा, बहुत रो रहे थे। तो उनके फ्रेंड जो थे गदाधर पंडित, उन्होंने कहा कि प्रेम की क्या जरूरत है, कृष्णा आपके हृदय में ही है, अंदर ही है कृष्णा, आपके पहले ही साथ है, सो आपके पास तो पहले ही प्रेम है,
तो चैतन्य महाप्रभु अपना हृदय फाड़ने लगे। उन्होंने कहा मेरे अंदर है तो मैं देखूंगा। नखूनों से बस फाड़ने ही वाले थे, गजेंद्र पंडित ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं। गजेंद्र पंडित ने कहा चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में बाहर आके आपको दर्शन भी देंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। दैट्स अ डिवोटी। एक डिवोटी थे रामदास, बहुत बड़े डिवोटी थे रामदास साउथ इंडिया के। तो रामदास जो थे वो मतलब उनको उनको मुस्लिमों ने पकड़ लिया था। रामदास को जेल में डाल दिया, 10 साल जेल में रहे और बहुत टॉर्चर किया। उन्होंने कहा राम की भक्ति छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं राम की भक्ति नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उसके बाद राम भगवान खुद ही आए, राम भगवान ने उनको रिलीज कराया, कुछ अरेंजमेंट हुआ कुछ ऐसा। तो रामदास ने फिर उसके बाद रामदास गए और रामदास रामदास की वाइफ ने कहा कि अब तो आप आ गए हो। रामदास ने कहा मैं आ तो गया हूं मगर मुझे भगवान नहीं मिले, मुझे भगवान चाहिए, राम कहाँ है मेरे। तो उनकी वाइफ ने कहा तुम्हारे हृदय में ही है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने पत्थर ले लिया, उन्होंने कहा मैं हृदय फाड़ के अंदर देखूंगा। एंड देन जैसे ही वो पत्थर से बस मारने वाला था अपना हृदय, भगवान प्रकट हो गए। इतनी इच्छा चाहिए भगवान को देखने के लिए, दिस काइंड ऑफ डिजायर यू नीड। ऐसे आदमी को पानी में नहीं डाल देते, पानी में आपको डुबा दे तो सांस लेने के लिए तड़पोगे नहीं तड़पोगे। उतनी तड़प होनी चाहिए भगवान से मिलने के लिए। उसको कहते हैं प्रेम, उसे कहते हैं प्रेम, तब भगवान मिल जाएंगे। लाइफ का एम है भगवान से मिलना, है नहीं और क्या, दैट्स ऑल फिनिश। तो प्रेम के बिना भगवान मिलेंगे नहीं, और भक्ति के बिना प्रेम नहीं मिलेगा। मगर प्रेम के बिना हम भक्ति भी नहीं कर सकते 24 घंटे, समझ गए। भक्ति के बिना प्रेम मिल नहीं रहा, जब तक आप पूरी तरह भक्ति नहीं करोगे प्रेम नहीं मिलेगा। मगर जब तक प्रेम नहीं मिलेगा तब तक आप पूरी तरह भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान को बार बार भूलते रहोगे तो क्या करें, फंस गए ना। क्वेश्चन समझ आ रहा है, फंस गए। हम चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा मंदिर में आ रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, मगर क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं, जैसे ही बाहर जाएंगे भूल जाएंगे। तो हम 24 घंटे भक्ति नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते, मगर भगवान गीता में कह रहे हैं कि सततम कीर्तन तो हम सतत मेरा भक्ति करो। अब वो कैसे करें, माइंड भी तो भाग रहा है इधर उधर। तो बिना भक्ति बिना प्रेम के आप भक्ति 24 घंटे नहीं कर सकते, और बिना भक्ति के 24 घंटे आपको प्रेम मिलेगा नहीं, तो क्या करें फिर, क्या सॉल्यूशन है आपके पास, क्या सॉल्यूशन देते हो, व्हाट डू यू से, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है इसकी। भक्तों के संग में श्रवण, पहले भगवान के बारे में जानेंगे तभी प्रेम होगा। भक्तों में श्रवण करना भक्ति तो है, हैं? पहले भगवान के बारे में जानेंगे तभी प्रेम होगा। हो, मेरा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया फिर आपको इसका मतलब। क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको, बिना भक्ति के प्रेम नहीं मिलेगा। भक्ति क्या है, श्रवण कीर्तन यही है ना, भगवान के बारे में जानना, नाम लेना, यही है ना। मगर बिना प्रेम के हम 24 घंटे श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है। तो क्या करें फिर, सेवा भक्ति तो है यार, सेवा भक्ति तो है। बिना भक्ति सेवा भी 24 घंटे नहीं कर पाओगे ना, माइंड भाग रहा है ना इधर उधर, प्रॉब्लम ये है ना। वो कैसे होगा, वो कैसे हटाओगे, बिना प्रेम के नहीं हटा सकते आप तो, पूरी तरह नहीं हटा सकते। तो कृपा कैसे आएगी, ऐसे तो नहीं आ जाएगी। क्या भक्ति करने से तो कृपा देंगे, मगर भक्ति हम कर ही नहीं पा रहे 24 घंटे। सो ये कॉनंड्रम है। हाँ, जो भी कर्म करें भगवान को अर्पित करके करें, वही तो भक्ति है। कैसे करोगे आप, 24 घंटे नहीं कर सकते ना। क्वेश्चन 24 घंटे का आ रहा है, हम भूल जाएंगे। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन, क्यों दामोदर, क्या सॉल्यूशन है। आप तो स्टूडेंट हो गीता के, आप तो बहुत पढ़ते हो, बहुत कुछ जानने वाले हो, पता होना चाहिए। कभी सोचा नहीं इस पे, इस क्वेश्चन पे।
प्रेम चाहिए आपको नहीं चाहिए बताओ, पहले ये क्वेश्चन है, चाहिए से या नहीं, या पैसे चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को ये बताओ, मुद्दे की बात करो, क्या चाहिए, पैसे चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, क्या चाहिए आपको लाइफ में, सुख शांति चाहिए, सुख शांति भी नहीं चाहिए आपको, पक्का श्योर हो, कितने लोगों को सुख शांति नहीं चाहिए, हाथ खड़ा करो, अगर सुख शांति नहीं मिली तो, नहीं मिली तो वो कुछ भी सकता है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, दुख में सुख शांति, कृष्ण प्रेम मिल गया तो सुख शांति अपने आप मिल जाएगी, वो हो नहीं सकता, आग होगी तो गर्मी आएगी आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आग और गर्मी नहीं, वो हो नहीं सकता, वो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें हमें नहीं चाहिए कुछ भी, ओके, हमें प्रेम चाहिए, बट अब पॉइंट है कि प्रेम मिलेगा कैसे, यस यस ओके, भक्ति से मिलेगा, मगर भक्ति हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम स्ट्रांग नहीं है भक्ति में, है नहीं, कौन है स्ट्रांग है बता दो मुझे, कोई स्ट्रांग नहीं है, मगर भक्ति स्ट्रांग कैसे होगी, अब क्वेश्चन है, वो तो प्रेम के बिना स्ट्रांग हो ही नहीं सकती, सो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, बस इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, भक्ति के बिना प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम के बिना 24 घंटे भक्ति नहीं हो सकती, तो इसका सॉल्यूशन होमवर्क दे दूं क्या आपको मैं सोचते रहे ना कुछ तो सोचने के लिए होना चाहिए, मैं ही थोड़ा ना बताता रहूंगा हमेशा उसको, कौन सा आंसर नहीं बताऊं ये मुझे बताओ, गूगल से ढूंढना होता है। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, वैष्णवों की कृपा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान की कृपा तो मिलेगी नहीं, बिना कृपा के प्रेम मिलेगा नहीं, है नहीं, जब हम 24 घंटे भक्ति नहीं करेंगे सॉलिड तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी पूरी तरह, उसके बिना प्रेम मिलेगा नहीं, बिना प्रेम के हम 24 घंटे भक्ति नहीं कर सकते, मगर वैष्णव की कृपा मिल सकती है, इसीलिए सारे शास्त्र कर रहे हैं वैष्णव सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, वरना प्रेम तक कभी नहीं पहुंचोगे। और प्रेम तक नहीं पहुंचोगे तो 24 घंटे भक्ति नहीं हो सकती, इसीलिए सारे कितने सारे हम सॉन्ग आते हैं, ओए वैष्णव ठाकुर दया रसागर, तभी तो कहते हैं सुबह सुबह गुरु की तो आरती गाते हैं, संसार अदावा वंदे गुरु श्री, तभी गुरु की महिमा है, तभी वैष्णव की महिमा है, उनकी कृपा के बिना ये जो जो कोनंड्रम है वो टूटेगा नहीं, जो हम इसमें फंसे रहेंगे, इसलिए फंसे रहेंगे, हम बोलते रहेंगे हम भक्ति कर रहे हैं मगर भक्ति अच्छी तरह नहीं हो रही, क्या करें, और प्रेम के बिना कैसे होगी, हो ही नहीं सकती, तो वैष्णव कृपा एक बोनस मार्क्स है समझ लो, वैष्णव अपनी कृपा से हमें एक्स्ट्रा स्पीड दे देते हैं, एक्स्ट्रा स्पीड मिल जाएगी आपको, आप अपनी साधना तो कर रहे हो मगर उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड हो जाएगी वैष्णव की कृपा से, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वैष्णवों की कृपा से क्या क्या हो जाते हैं, मिरेकल हो जाता है वैष्णव की कृपा से, प्रभुपाद ने खुद ने कहा कि मैंने जो भी किया अपने गुरु की कृपा से किया, इसलिए साधु सेवा साधु संग सर्व शास्त्र गए, साधु संग तभी तो लेने को बोला है क्योंकि साधु संग में वैष्णव साधु की सेवा करने का अवसर मिलता है, इसीलिए जो नए भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मगर जो भक्ति में एडवांस कर जाते हैं जिनको समझ आ जाता है कि प्रेम जीवन की जरूरत है, वो फिर वैष्णव की सेवा करने लगते हैं क्योंकि उनको पता है कि बिना वैष्णव की कृपा के प्रेम तक पहुंच नहीं सकते, नए भक्तों को प्रेम का कोई आइडिया ही नहीं होता, नए भक्त जो आते हैं वो तो चलो थोड़ी सेवा कर ली, प्रसाद ले लिया, नाम ले लिया, चले गए, उनको कोई आइडिया नहीं है ना जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें तो समझ आ गया, तो जितनी ज्यादा प्रेम पाने की इच्छा होगी उतनी ही ज्यादा वैष्णवों की सेवा करने की इच्छा आ जाएगी, कि आप जल्दी चाहते हो ना प्रेम, और चाबी तो वैष्णवों के पास है, चाबी भगवान के पास नहीं है उस प्रेम प्राप्त करने की,
उतनी ज्यादा डेडिकेशन होगी, उतनी ज्यादा वैष्णव के लिए भक्ति होगी। सो इसीलिए वैष्णवों के पास जाकर उनकी सेवा करने, वैष्णव की सेवा करने का मतलब क्या होता है, क्या करें वैष्णव की सेवा, क्या करें सबसे इंपॉर्टेंट है वैष्णव की सेवा का मतलब कि वैष्णवों की आज्ञा का पालन करना, बस यही सबसे बड़ी वैष्णव की सेवा है। बस जो वो कह रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारने की, यथाशक्ति उतारने की कोशिश करना, सिंसियरली, कपट नहीं होना चाहिए, ट्राई टू डू दैट, तब भगवान बहुत खुश होंगे। मैंने पर्सनली देखा है, आप कितनी साधना कर लो, आप जोर लगा लो, मगर वैष्णव की कृपा नहीं है, वापस गिर जाओगे, बैक हो जाओगे आप, क्योंकि जिसको भगवान रोक रहे हैं वो आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, अगर भगवान ने रोक दिया आप कुछ भी कर लो बढ़ जाओगे, नहीं बढ़ोगे। इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज, भगवान पीछे धकेल देते हैं। जो वैष्णवों की सेवा नहीं करता भगवान ही उसको रोक देंगे, तुम आ ही नहीं सकते बेटे, अब तुम कुछ भी करते रहो। सो एक तो आप खुद कर रहे हो भक्ति, फिर फॉल डाउन हो गया है, नहीं, एक तो ये होता है, हम कर रहे हैं सावधानी नहीं रही तो भक्ति छूट गई, ध्यान ही नहीं रहा माला छूट गई, एक तो ये है। दूसरा है कि भगवान ने सोच लिया मैं इसका रोकूंगा, मैं इसको, सब प्रभुपाद कहते थे अगर भगवान ने सोच लिया कि मैं इसका सब कुछ छीन लूंगा तो आप रख सकते हो अपने पास, क्योंकि भगवान आपके दो हाथ हैं, भगवान के 10 हाथ हैं, हम नहीं रोक सकते। सो इसलिए जो वैष्णव की सेवा नहीं करता भगवान उसके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स डालते हैं, भगवान ही रुकावटें डालने लगेंगे। क्यों भगवान की रुकावट डालेंगे, क्योंकि भगवान हमारा अहंकार तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं ना डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच जाएं, डायरेक्ट भगवान की भक्ति कर लें, वैष्णव की बात क्यों माननी है, उनकी सेवा क्यों करनी है, उनकी कृपा क्यों चाहिए। तो भगवान कहेंगे ठीक है, तुम्हें पर डायरेक्टली आना चाहते हो, तुम इतने अहंकारी हो, तो भगवान प्रॉब्लम्स देंगे, ऑब्स्टिकल्स डाल देंगे आपकी भक्ति में, और फिर आपको समझ आएगा यार इतनी परेशानी हो रही है, फिर किसके पास जाओगे मारे मारे, वैष्णव के पास जाओगे, नहीं प्लीज हेल्प मी भैया, कुछ नहीं हो रहा, प्रभु जी हेल्प कर दीजिए, मैं तो मर गया, तब समझ आएगी चीजें। सीधी उंगली से घी नहीं लगता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। सो जितनी जल्दी हो सके अपने लाइफ में एक ही संकल्प लो कि भक्तों की सेवा करो, दैट्स आइडिया। अब वैष्णव में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वैष्णव नहीं है, ये वैष्णव नहीं है, वैष्णव तो केवल प्रभुपाद है, ये हाई फाई वैष्णव है, नहीं। वैष्णव कौन है, जो वैष्णव कौन है, कौन है, क्या डेफिनेशन देते हो वैष्णव कौन है, कौन है वैष्णव, भगवान को किसको मानते हैं, गॉड किसको मानते हैं, कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, जो भगवान कृष्ण एक बार नाम ले, जो एक बार भी भगवान का नाम लेता, जो एक बार भी नाम लेता है वो, तो अगर मार्केट में जाओ किसी ने हरे कृष्ण बोले तो वैष्णव बन गया, ये तो बेकार की बात है नहीं, अजीब सा। ये तो रिक्शा वाला आपको बोल दे हरे कृष्ण तो क्या वैष्णव बन गया, हम क्या उसकी सेवा करेंगे, जो मन क्रम वचन से साध्वी को, तो कृष्णा की सेंसेस को मैं ध्यान दे अपनी सेंसेस पे। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने ही बोला है जो एक बार नाम ले, मगर उसमें एक ट्रिक है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला जो एक बार निरअपराध होके नाम ले रहा है वो वैष्णव है, वहां पे सीक्रेट है, निरअपराध, ऑफेंसलेस होकर जो एक बार नाम ले रहा है वो वैष्णव मैं मानता हूं। निरअपराध मतलब कि जो एक बार नाम ले रहा है भगवान का, ये समझ के कि केवल कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। वो रिक्शा वाला जब हरे कृष्ण बोल रहा है उसको पता ही नहीं भगवान कौन है, बस बोल रहा है हरे कृष्ण है, नहीं उसको कुछ आइडिया नहीं भगवान कौन है, उसके हिसाब से तो कृष्ण भी भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, शिव भी भगवान है, सभी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, सब जगह भगवान है, तो उसके हरे कृष्णा बोलने की ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। मगर जो एक बार हरे कृष्णा बोलेगा ये अंडरस्टैंडिंग से कि केवल कृष्णा भगवान है और कोई भगवान नहीं है, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्णा, ये लक्ष्य बनाकर कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्णा है, फिर जब कोई एक बार हरे कृष्णा बोलेगा वो वैष्णव है।
तो लक्ष्य पे डिपेंड करता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मोड निर्धारित करेगा कि ये क्या है। नहीं ऐसी ऐसी नहीं होता। तो मान लीजिए सपोज मान लीजिए आपने कभी चोरी कर ली, सपोज कर लिया आपने चोरी, तो क्या आपको चोर कहेंगे? पकड़ेगा तो फिर भी हो सकता है आपको चोर ना कहे। नहीं आप बोलेंगे भैया अच्छे आदमी थे, पता नहीं कुछ मजबूरी होगी तभी चोरी की है। चोर किसको कहते हैं? जिसका लक्ष्य चोरी करना है। हमारा लक्ष्य, जिसके जीवन का लक्ष्य चोरी करना है, प्रोफेशन ही चोरी है। हमने कभी चोरी कर ली तो चोर थोड़े ना बन गए। हाँ कभी हो गई चोरी यार, ठीक है चलो गलती हो गई माफ कर दो, मतलब चोर चोर है नहीं। ऐसे आप कितनी बार झूठ तो बोलते हो गए जीवन में, बोलते ही हो गए नहीं, मगर आपको झूठा थोड़े ना कोई बोलते हैं। आई अंदर आ जाओ यार, नहीं खोल तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा कुछ, इट्स टू लाउड। सो चोर तो झूठा, झूठा कौन है जो हमेशा झूठ बोले? इसने संकल्प लिया झूठ बोलने का। ऐसे पॉलिटिशियंस को बोलते हैं झूठा, और उनके माइंड में ही है मैं झूठ बोलूंगा वरना गद्दी छूट जाएगी। मगर हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं, हम झूठे थोड़े ना बन जाएंगे, ठीक है हैबिट से हो गया है, नहीं समझ रहे हो? तो लक्ष्य से डिसाइडेड है। वैष्णव वो है जिसके जीवन का लक्ष्य विष्णु है, विष्णु मतलब कृष्णा, और फिर वो एक बार हरे कृष्णा बोल रहा है तो उसको वैष्णव माना जाता है। सो ऐसे डिवोटी की सर्विस करनी चाहिए। तो अभी जो रूम में सब बैठे हैं सब क्या है? हम सब मोस्टली वैष्णवी हो गए ना, हम सबके जीवन का लक्ष्य तो भगवान कृष्ण ही है। एटलीस्ट इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो ही गई हमें आके प्रोग्राम्स में, हमें क्लियर है कृष्णा भगवान है, हमें क्लियर है द्वागी देवता भगवान नहीं है, हमें क्लियर है कि इंसान भगवान नहीं बन सकता, हमें क्लियर है कि हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति। अभी तो तभी तो मैंने पूछा को क्या चाहिए, सबने बोला हमें धन नहीं चाहिए, उजाला प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमें सुख शांति भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, कृष्णा चाहिए। तो आप सब वैष्णव बन गए सिंपल। तो ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। और अगर आपने किसी वैष्णव के अगेंस्ट अपराध कर दिया, अपराध वैष्णव अपराध क्या होता है किसी को पता है? अपराध क्या होता है वैष्णवों के प्रति? 6 तरह के अपराध होते हैं वैष्णवों के प्रति। तो क्या है वो? हंति निंदंती द्वेष्टि वा, किसी वैष्णव को मारना फिजिकली वो तो खैर अपराध ही है, वो तो 100%। निंदंती मतलब निंदा करना, कुछ उल्टा सीधा बोलना उसके बारे में पीछे से, या उसी को उल्टा सीधा बोलना, ये सब ऑफेंस है। तो आप बोलते हो ना अभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपराध कर रहे हो कहीं ना कहीं। मगर हम सोचते हैं अपराध थोड़े ना है यार, ये तो अभी 2 साल आई है नई भक्त बनी है, एक बार वैष्णव है, इसको चैंटिंग भी करनी नहीं आती, तिलक नहीं लगाना आता। That's wrong. You can't think like that. Absolutely wrong understanding. तो आप वैष्णव को कैसे पहचानोगे? By the way, मैं अपराध की बात में तो करूंगा, तो कैसे पहचानोगे कौन वैष्णव है? जल्दी बताओ कैसे पहचानोगे? इसका लक्ष्य क्लियर है नहीं, तो वो कैसे पहचानोगे इसका लक्ष्य क्लियर है? उससे बात करके पता लग जाएगा ना, उससे पूछोगे ना क्वेश्चन, तुम क्या चाहते हो, क्वेश्चन पूछो सीधा। पहले कुल वैष्णव बन के फिर पहचानोगे? नहीं ऐसे ही पहचान लोगे, छोड़ो ऐसे। मैं समझ गया, तभी वैष्णव तो हो ही। सीधा क्वेश्चन पूछो ना उससे, ऑब्जेक्टिव पेपर भी रख सकते हो आप, जरूरी नहीं है वैष्णव की, आप पेपर ही बना दो मल्टीपल चॉइस इसको दे दो, ये फुल करके दे दो मल्टीपल चॉइस, उसमें वो क्या चाहते हो, धन पूजा प्रतिष्ठा ये सक्सेस मनी पावर टिक कर दो, उसे पता लग जाएगा वो वैष्णव उसको क्या चाहता है वो। ऐसा डिजाइन कर सकते हैं पेपर, हम डिजाइन कर देंगे पेपर। सो वैष्णव पता लगाना सिर्फ बात करने से पता लग जाएगा आपको वैष्णव यानी। सो निंदंती, सो किसी भी वैष्णव की निंदा करना, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। तो किसी के बारे में पीछे से कुछ बोलना या उसके बारे में सामने से बोलना, डोंट स्पीक। कृष्णा बहुत
सीरियसली लेते हैं इस चीज को, बहुत सीरियसली लेते हैं। जब तक रिक्वायर्ड नहीं है मत बोलो, रिक्वायर्ड है तो बोलो, है नहीं अननेसेसरी मत बातें करो। हंती निंदंती द्वेष्टी वा, द्वेष्टी मतलब द्वेष करना, जेलस होना कि ये इतना क्यों कर रहा है, इतना क्यों कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रहा, इसको क्यों सेवा मिली, मुझे क्यों नहीं सेवा मिली, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। और फिर उसके बाद ये तो अपराध है ही, उसके बाद हंती निंदंती द्वेष्टी वा न अभिनंदंती, जब वैष्णव आए तो उसको वेलकम नहीं करना, ये भी बड़े भी ऑफेंस है। नहीं मतलब कोई वैष्णव आए तो अपना मुंह सड़ा लिया, ऐसा भी होता है ना, ये आ गया है, ऐसा होता है, बट यू शुड नॉट डू लाइक दैट, दैट्स ऑफेंस। हंती निंदंती द्वेष्टी वा अभिनंदंती, और वैष्णव को देख के खुश नहीं होना ये भी अपराध है। इसी वैष्णव देख के खुश नहीं होना ये अपराध है, यू कैन इमेजिन, निंदा करना तो बहुत दूर की बात है, उसको देख के खुश नहीं होना, जिस भी व्यक्ति के सर पे तिलक है उसको देख के खुश होना ही चाहिए। ऑफ कोर्स ढोंगियों के भी सर पे तिलक होता है, बट अगर कोई डिवोटी है, जेनुइन है, चाहे नया भी डिवोटी है, अगर वैष्णव है, यू शुड बी हैप्पी टू मीट हिम। नहीं करोड़ों क्या है वो नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटेश्वपी महामुने, कि करोड़ों लोगों में से, करोड़ों में से एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करने आता है, एक, बहुत रेयर है, हर आदमी नहीं आएगा। सो उसको देख के आप खुश नहीं होगे तो क्या करोगे, क्या होगा फिर? तो पता है एक बार एक पुराण में आता है कि एक तो गरुड़ जी उड़ रहे थे, गरुड़ जी तो उड़ के जाते हैं ना, तो वो उड़ते उड़ते वहां पहुंचे एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल पता है ना, पता है आपको एंटार्क्टिक, मतलब तो बर्फीले जगह पे कहीं पहुंचे, तो वहां पे एक औरत तपस्या कर रही थी, भगवान का नाम ले रही थी, भक्त थी। तो गरुड़ जी ने ऊपर से देखा तो गरुड़ जी सोचने लगे ये क्या है, ये कहां बैठी है, बर्फ में कोई भक्तों का संग नहीं है, कुछ नहीं, खाली बैठी है, कैसे बेकार वैष्णव है। जैसे उन्होंने सोचा उनके पंख में आग लग गई, वो नीचे गिरने लगे, चिल्ला विष्णु विष्णु भगवान है भगवान है, का भैया तुम ऐसे कैसे सोच रहे हो उसके बारे में, तुम्हें कैसे पता वो कौन है, तुमने जाके पूछा उससे, बिना पूछे ऐसे सोचे जा रहे हो तुम। तो भगवान ने कहा वो मेरी बहुत बड़ी भक्त है, वो परमहंस है, उसी इतना बड़ा, इतनी गरुड़ जी सफर कर रहे हैं सिर्फ ये सोचने से बस, और गरुड़ जी खुद भी इतने महान भक्त है, नहीं भगवान के खुद ही, भगवान खुद भगवान के व्हीकल है वो। सो वैष्णव को देख के खुश नहीं होना ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, और वैष्णव को देख के उनकी स्तुति नहीं करना ये भी अपराध है। अगर आप बोलो मैं बहुत खुश हो गया मगर आपने प्रेज नहीं की तो ऑफेंस है। सब क्या करोगे आप, वैष्णव अपराध कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यस या नहीं? सभी कर रहे हैं इस डेफिनेशन से तो कर रहे हैं, यू आर डूइंग वैष्णव ऑफेंस। हमें वैष्णव को देख के खुशी नहीं हो रही, हमें भगवान के भक्तों को देखकर, हम कितने गंदे हैं, टीवी देख के खुशी होती है, नहीं गंदी चीजें देख के खुशी होती है। अरे भाई आत्मा ऐसी है, हम मन से शायद रोक लें कुछ, आत्मा को किसी और चीज में अच्छा लग रहा है। इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स स्टोरी कुछ और ही चल रही है, बाहर कुछ स्टोरी कुछ और चल रही है, अंदर झांके देखोगे स्टोरी बिल्कुल कुछ और चल रही है। सो यू हैव टू चेंज दैट स्टोरी। नहीं जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन भगवान की भक्ति मिल जाएगी, मतलब उस दिन वैष्णव की कृपा मिलेगी, दैट्स अ पॉइंट, वैष्णव की कृपा, भगवान की भक्ति मिलेगी। सो इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि वैष्णव सेवा करो और वैष्णव अपराध नहीं करो, वैष्णवों की कृपा लेने के लिए वैष्णवों की सेवा करो और वैष्णवों के प्रति अपराध मत करो। ये जरूर हो सकता है कि किसी डिवोटी में डिफरेंसेस हो, ऐसा जरूर हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं कि हर वैष्णव से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच, समझते हैं ना फ्रीक्वेंसी मैच करना, हर डिवोटी से हो सकता है हमारी दोस्ती ना हो पाए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है ना, उसके आइडिया आपसे मैच नहीं हो रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको देख के खुश ना हो, उसको वेलकम ना करें, नहीं, वो तो प्रैक्टिकल चीज है, हमारा नई फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, ओके गुड, बट हार्ट क्लीन होना चाहिए। सो इसलिए अगर अगर आपको प्रेम चाहिए तो दो चीजें करनी है, वैष्णव सेवा और वैष्णव अपराध। एक चीज करनी है, वैष्णव सेवा करनी है और वैष्णव अपराध नहीं करना, तब भक्ति में बहुत जल्दी स्पीड आ जाएगी, बहुत ही जल्दी स्पीड आ जाएगी। ये सीक्रेट है डिवोशन की, दैट्स ऑल। तो इफ यू कैन डू दैट, आपको जल्दी से प्रेम मिल जाएगा। और मरने से पहले प्रेम चाहिए हमें किसी भी कंडीशन में। एक्चुअली जिसको प्रेम की जरूरत लगती है ना, कुछ भी करने को तैयार होगा, है नहीं? ऐसा होता नहीं होता है? अगर आप बहुत गरीब, आपको पैसे चाहिए, तो कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। कहोगे भैया मुझे नौकरी दे दे यार, कुछ भी करा ले मुझसे, बस मुझे पैसे चाहिए, है नहीं? क्योंकि मेरे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। करोगे नहीं करोगे? अगर बच्चे भूखे मर रहे होंगे कर लोगे आप, झाड़ू भी मार लोगे, नाले भी साफ कर लोगे, टॉयलेट भी साफ करने चले जाओगे, भैया पैसे दे दो आप हमें। सो जिसको प्रेम चाहिए वो कुछ भी करने को तैयार होगा। जिसको प्रेम चाहिए वो अपने हृदय से सारा द्वेष निकाल के फेंक देगा, भाड़ में जाए। अगर भगवान और मेरे बीच में द्वेष आ रहा है तो छोड़ देंगे, छोड़ दो भाड़ में जाए, हमें क्या पड़ी उस द्वेष से। अगर भगवान हमारे बीच में निंदा आ रही है किसी वैष्णव की, भाड़ में जाए, छोड़ दो, फिनिश। वो उठा के सारी चीजें फेंक देगा, उसको समझ आ जाएगा कि भक्तों से द्वेष करना, रघुनाथ स्वामी कह रहे हैं कि गधे के पेशाब के समान है। उसे नहारे द्वेष, निंदा, ये सारी ऐसी ऐसी चीजें, गंदी चीजें। सो वैराग्य तभी आता है, वैराग्य तभी आएगा जब प्रेम पाने की इच्छा होगी। वैराग्य मतलब क्या? छोड़ देना चीजों को, है नहीं, अपनी आसक्तियां, अपनी सारी रिजर्वेशंस, और तब हटा पाओगे सब कुछ जब प्रेम की जरूरत होगी। कृष्णा मुझे प्रेम चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं आपके लिए। और कृष्णा कहेंगे ठीक है, द्वेष छोड़ दो मेरे भक्तों के प्रति, यस डन। मेरे भक्तों की निंदा करना छोड़ दो, डन। मेरे भक्तों के चरणों में गिर जाओ, डन। कुछ भी करने को तैयार हो आप? मेरा प्रचार करो, डन। सड़क पर जाके मेरी बुक बांटो, डन। सुबह जल्दी उठो, डन। आई एम डूइंग दैट, दैट्स ऑल। तो उससे डेडिकेशन और वैराग्य आ जाएगा। सो अपना गला काट के मुझे दो, तो क्या कहोगे? डन कह देना चाहिए आपको, क्योंकि बस हमें किसी भी कॉस्ट पे प्रेम चाहिए, दैट्स ऑल। ये डिजायर होनी चाहिए लव की, तो वो आ जाएगी। वो भक्ति करने से, वैष्णव सेवा करने से धीरे धीरे आ जाएगी। अपनी लाइफ परफेक्ट करो और भगवान के पास चले जाओ, बस ये करना है। राजपुरा में वापस मत आओ, ये वैसे ही राजपुरा है, गंदी जगह है रिलेटिवली, लोग ऐसे, छोटा टाउन है ना, चंडीगढ़ वालों को तो बेकार लगती होगी उसके कंपैरिजन में, तो वापस क्यों आना है? वैसे प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद को एक डिवोटी ने बोला कि प्रभुपाद अमेरिका कितना अच्छा है, इंडिया कितनी बेकार है, नहीं प्रॉब्लम्स हैं, गंदी है अमेरिका में, इतनी क्लीनलीनेस है। प्रभुपाद ने कहा हमारी बंगाली में कहावत है AOP OEOP, ये भी टॉयलेट है वो भी टॉयलेट है। अब टॉयलेट को आप अच्छा बना सकते हो, बात अलग है, मगर है टॉयलेट। अमेरिका एक अच्छा टॉयलेट है और इंडिया एक गंदा टॉयलेट है, अब तुम ही डिसाइड करो अच्छा क्या है। चुप हो गया। सो बस यही संसार है, आप कहीं भी चले जाओगे कभी शांति सुख नहीं है, प्रॉब्लम्स ही है हमेशा। जल्दी जल्दी भगवान को प्राप्त करो, प्रेम प्राप्त करो, भक्ति अच्छी तरह फॉलो करो, लाइफ का एम बनाओ, एम, तब बात होगी, वरना तो बात नहीं बनेगी, वरना रह जाओगे आप सब। अगले जीवन में दोबारा आना पड़ेगा। सो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना, कोई क्वेश्चन है? आई स्टॉप देना। क्या कहना? मतलब कि आपने इस टॉपिक पे भी हंस बोला क्या कि 200 ना, मेरे भक्त जो है किसी से द्वेष नहीं करते, तो फिर दूसरों से कैसे डीलिंग होनी चाहिए वैष्णव के अलावा? मेरे भक्त किसी से द्वेष नहीं करते, भगवान गीता में कह रहे हैं, किसी से भी नहीं करते, किसी जीवात्मा से भी द्वेष नहीं करते। वैष्णव तो छोड़ दो, नहीं करते बाहर के।
डीलिंग क्या, डीलिंग करने के लिए द्वेष थोड़ा ना चाहिए होता है, द्वेष नहीं होने का मतलब थोड़ा ना कि आप दोस्ती कर लो ये थोड़ा ना कह रहे हैं हमें द्वेष नहीं है मगर हम दोस्ती भी नहीं कर रहे हैं, दैट्स ऑल। भोगियों से दोस्ती थोड़े ना करोगे, थोड़ा दोस्ती करोगे, नाच रहे लोग, नॉनसेंस है। मगर हमें द्वेष भी नहीं है, हमें द्वेष नहीं है क्योंकि अगर ये डीजे छोड़ के आज हमारे पास आ जाए, बोलेंगे भक्ति करेंगे तो हम सब कुछ भुला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, भक्ति कर लो, दैट्स ओके, तुमने हमें इतना तंग किया है ना, मगर हम भूल गए, चलो द्वेष ही नहीं कर पाएगा माफ, है नहीं, अगर तूने तंग किया था ना मुझे, निकल जा अब तू, ये द्वेष होता है। सो द्वेष नहीं होता, बट जो खराब है खराब है, जो सही है सही है, समझे नहीं मुझे। कथाकार द्वेष थोड़े ना है वो, हम बोलते हैं कथाकार ढोंगी है, बोलते ही हम। प्रभुपाद ने बोला था एक बार, तो एक जापान में एक कथा करने वाला आया था, तो आपको पता है कथाकार लोग एब्सोल्यूट नॉनसेंस बोलते हैं, नहीं अपने मन से कुछ भी बोलते जा रहा था, सभी भगवान है ये है वो है। तो प्रभुपाद की एक शिष्य है थी वहां पे, फॉरनर माता जी, उनके पास कोई केक था, उन्होंने केक उठा के मारा उसके मुंह पे, सभी के सामने पब्लिक के सामने उसके मुंह पे धार लगा। तो जितने भी भक्त, उन्होंने कहा ये क्या कर रही हो, ये सब मतलब वो तो टेंशन में आ गए सब लोग, क्या हो गया, तो जल्दी से भाग गए वो लोग वहां से। तो प्रभुपाद को कंप्लेंट गई, प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद इसने तो सबके पब्लिक में ही सबको उसके मुंह पे केक उठा के मार दिया। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, तो वो बोल क्या रहा था, तो उस माता जी ने बोला वो बोल रहा था आत्मा परमात्मा एक ही है। तो प्रभुपाद आपने बोला है वो तो नॉनसेंस लोग हैं, अपने आप को भगवान कह रहे हैं, मैंने उसके मुंह मार दिया। मैंने गुड, अगर मैं होता तो मैं उसके मुंह पे जूते मारता भगवान बनने चले हैं। सो इसका मतलब नहीं कि द्वेष है हमारा उनसे, जो अधर्म के रास्ते पे हैं उनको तो पनिशमेंट देंगे ना, उनको तो सबक सिखानी पड़ेगा ना, कौन सिखाएगा, और इतने लोग कंफ्यूज भी तो हो रहे हैं पब्लिक, तो वो हमारा धर्म है, धर्म के इस दृष्टि से कर रहे हैं, द्वेष की दृष्टि से नहीं कर रहे। ऐसे अर्जुन मार रहा है दुर्योधन को सबको, क्या उसको द्वेष है दुर्योधन से, नहीं, अर्जुन धर्म के लिए मार रहा है, धर्म की स्थापना के लिए दुर्योधन को मरना पड़ेगा। ऐसे ही जितने ढोंगी लोग हैं उनके अगेंस्ट हम बोलते हैं कि पब्लिक कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि हमारा धर्म है कि हम भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति का प्रचार करें, हमें कोई पर्सनल द्वेष नहीं उस आदमी से, समझ गए नहीं समझ गए, वो डिफरेंस है उसमें, बस इतना है और कुछ नहीं। अगर वो कथाकार आज बोले चलो मैं समझ गया मैं भक्ति करना चाहता हूं, तो आपको अभी वेल एंड गुड, आ जाओ अब तो हमारे साथ, दैट्स ऑल, ओके। सो समझ आ गया नहीं आ गया, 24 आवर वैष्णव की कृपा कैसे रहेगी उनकी आज्ञा का पालन करके, बस जो वो कह रहे हैं करो, 24 घंटे कृपा, दैट्स ऑल। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।